कार है, ये हमारा ड्राइवर और ये हम दलील हो रहे हैं। ये हम दलील हो रहे हैं। सुबह 4 बजे हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। सबको ये बताया गया कि हम 4 घंटों में सून वैली पहुँच जाएंगे, लेकिन 12 बजे तक हम पोशाक थे और हमारी गाड़ी पंचर। ये देखें जी, पंचर हो गई है हमारी गाड़ी। हम खुशाब में हैं, पहले ही हम बहुत ज़्यादा सुबह से जलील हुए हैं। ये देखें ऐसा साहब क्या हालात हैं। और ये आपने पूछा नहीं, ये सर, सर ये हमारी कार है, ये हमारा ड्राइवर और ये हम जलील हो रहे हैं। ये हम जलील हो रहे हैं। क्या हुआ सनी भाई? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। बी 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 बी। हमारे दोस्तों में से कुछ लोग पहली बार इन एरियाज में ट्रैवल कर रहे थे और उनका ये एक्सपीरियंस अब तक बिल्कुल ठीक नहीं था। खराब रास्ते ने मज़ीद उनको डिमोटिवेट किया। बहरहाल हम आखिरकार खबे की लेक देखने के बाद 3:30 बजे कनहट्टी गार्डन पहुँच गए। ये मेन पॉइंट, यहाँ से एंट्री होती है लेकिन कोरोना की वजह से बंद है और इस वक्त 3:15 है। बहुत ही ज़्यादा है, हमने लंबा सफ़र किया है। उसके बाद हम पहुँचे हैं, अभी मेन पॉइंट पे जाएंगे तो अभी आपको दिखाते हैं। भाई फारूक, कितना कैसा रास्ता हमारा गया है? बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन रास्ता था। कितने मज़ा आया, ऑसम हो गया, ऑसम। कितनी देर में पहुँचे हैं भला हम? सिर्फ और सिर्फ 11 घंटे में। ओह माय गॉड। और हमें कितना बताया गया था सनी भाई? 2 घंटे। 4 घंटे। 4 घंटे का 12 घंटे हमारे साथ बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है। 4 घंटे तो वहाँ पर कैमरा है, हाथ हिला दें। ये है कनहट्टी गार्डन, कनहट्टी बाग जिसे कहते हैं। सोन वैली में एक बहुत ही फेमस पॉइंट है जिसको हमने यूट्यूब पे कुछ सर्च भी किया, लेकिन हमारे भी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट थी। और यहाँ है तो इतनी बुरी जगह नहीं है, लेकिन जो हम एक्सपेक्टेशन के साथ आए थे और ईद की वजह से कुछ रश भी ज़्यादा है। और हमने कोशिश की है कि आपको पॉइंट दिखाया जा रहा था और इसकी रिकमेंडेशन हमारे लेंगे, सब्सक्राइब करना रख दीजिएगा। बहुत अच्छा लगा। तो क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी जगह से दूसरे को भी मौका देना चाहिए, हमें हारना चाहिए। अच्छा, यानी कि अकेले जलील हो, बाकी सब भी जलील हो। ये मंजर है और साथ भाई कहते हैं कि सबको जलील करें, अकेले जलील ना हो। चले जी, गुड हो गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो? क्या हुआ जानी? सन्नी भाई क्या हुआ? तला क्या कहना चाहोगे यार? ये देखो, चलो ये फोटोज बनवा रहे हैं। असद, असद क्या हुआ? नहीं, क्या क्या कहना चाहोगे? ओहो, चलो कोई नहीं यार। एक एक क्या क्या हुआ? एक रीजन से अच्छा हो सकता है। हाँ जी, कि अगर हम साहब नूर की शेड उतार के सारे यहाँ बैठे रहे मछली पकड़ने, शायद पकड़ी जाए तो हम कह सकते हैं। फरू कुछ बोल ही नहीं। ये कुछ लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं, मेरे ख्याल कोशिश कर रहे हैं मछलियाँ पकड़ने की। और ये एक छोटा सा हमारे कुछ पीछे हमारे सब कुछ दोस्त थे, वो ऑब्वियसली इधर आकर खुश नहीं है मेरे ख्याल से। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बिल्कुल ही अपोजिट है। और हम बड़ा पीसफुल जगह समझ रहे थे, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा रश भी है और थोड़ा डिफरेंट भी है जगह। ये आगे से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, आबशार मेन। हम हाइकिंग कर रहे हैं
पे थे और कनहट्टी गार्डन का भी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, बट वी स्पेंड वी डू हैड अ मेमोरेबल टूर एंड वी एंजॉयड अ लॉट। फेलोज आ रही हैं, बफेलोज आ रहे हैं, बफेलोज। अच्छा सही। और चला मैं कल चेक कर रहा कि अब सिर्फ अपनी अपनी फोटोग्राफ लगा दिया, ब्यूटी कॉन्शियस, बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखें जी मनाजिर हैं, सीन्स कुछ ऐसे हैं, इतने तो पैसे हैं। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।